सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, रिया उसके माता पिता और भाई को बनाया आरोपी, पटना पुलिस की एफआईआर को ही दोबारा किया रजिस्टर। सीबीआई की एफआईआर में कुल 6 आरोपी, रिया के दोनों सहयोगी सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी का भी नाम। एफआईआर में रिया और परिवार पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप, सुनियोजित साजिश, चोरी, धोखाधड़ी समेत 8 धाराएं लगाई। सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई ने एसआईटी बनाई, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है एसआईटी, रोजाना टॉप स्तर पर होगी समीक्षा। एसआईटी टीम की अगुवाई ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर करेंगे, डीआईजी गगनदीप गंभीर की देखरेख में होगी जांच, एसपी नुपुर प्रसाद को जांच की जिम्मेदारी। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुशांत केस की सुनवाई, कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले कोई कदम न उठाए सीबीआई। मुंबई से पटना लौटी बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम, आईजी संजय सिंह को सौंपी गई जांच रिपोर्ट। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा जांच में कोई सहयोग नहीं मिला, महाराष्ट्र के डीजीपी ने फोन और मैसेज का नहीं दिया जवाब। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिया को सामने आने को कहा, जब खुद सीबीआई जांच की मांग तो क्यों अब डर रही है रिया। बिहार पुलिस ने बीएमसी को दोबारा पत्र भेजा, एसपी विनय तिवारी को तुरंत क्वारंटीन से छोड़ने को कहा। ईडी ने सुशांत खुदकुशी केस में आज रिया को किया समन, रिया ने ईडी के ईमेल का अभी तक नहीं दिया कोई जवाब, मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत दर्ज होगा बयान। रिया ने ईडी से उसकी 3 प्रॉपर्टी के बारे में करेगी पूछताछ, मुंबई के खार में रिया, नवी मुंबई में रिया के पिता की प्रॉपर्टी। रिया चक्रवर्ती के मैनेजर सैमुअल मिरांडा से ईडी ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ, सुशांत केस में हुई पूछताछ। इंडिया टीवी को मिली सुशांत की कॉल डिटेल्स, 8 से 14 जून तक रिया सुशांत में कोई बात नहीं, रिया ने ब्लॉक किया था सुशांत का नंबर। 8 से 14 जून के बीच सुशांत सिंह राजपूत ने 2 लोगों को कॉल किया, 8 जून को 2 बार अपनी बहन से बात की, 9 लोगों ने सुशांत को फोन किया। मुंबई में टीवी एक्टर समीर शर्मा ने किया सुसाइड, पंखे से लटक कर जान दी, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। फ्लैट में अकेले रह रहे थे समीर शर्मा, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही समय 15 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में कर चुके थे काम, खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया। मुंबई में बारिश से राहत नहीं, पूरी रात रुक रुक कर बारिश, परेल के हिंदबाता इलाके में सड़क पर भरा पानी। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई के फेडर रोड में हादसे वाली जगह पर पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे, भारी बारिश और तेज हवा की वजह से गिरा इमारत का हिस्सा। मुंबई के दहीसर से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, घरों में, किचन और बेडरूम में घुसा पानी। मुंबई के दादर में बारिश का कहर, 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा। केरल में जोरदार बारिश से 5 लोगों की मौत हुई, नीलांबूर और मल्लापुरम में बाढ़ जैसे हालात, 2000 लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया। केरल के एर्नाकुलम में बाढ़ से बहा जंगली हाथी, पेरियार नदी में आए उफान में समाया हाथी की मौत। भारी बारिश के बाद कर्नाटक के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, सीएम येदियुरप्पा ने 50 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश, ओवरफ्लो हुई उनकल झील। कर्नाटक के कोडागु में एनडीआरएफ की टीम ने किया प्रेग्नेंट महिला का रेस्क्यू, भारी बारिश के बाद पानी में फंसी थी महिला। कर्नाटक के चिकमंगलूर से मैंगलोर जाने वाली रोड पर लैंडस्लाइड, आवाजाही हुई प्रभावित। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सिक्किम में रंगीत नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट पर। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे शिक्षा पर कॉन्क्लेव में देंगे उद्घाटन भाषण, कई नई शिक्षा नीति के बताएंगे फायदे। कुलभूषण जाधव पर झुका पाकिस्तान, भारत को जाधव मामले में वकील नियुक्त करने को कहा पाक विदेश मंत्रालय प्रवक्ता का बयान। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से पेशकश मिलने से किया इनकार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा जाधव के वकील रखने का अभी तक नहीं मिला प्रस्ताव। असम के तेजपुर पहुंचे आर्मी चीफ, 4 कोर मुख्यालयों में बैठक की, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में एलएसी पर सेना की तैयारियों की समीक्षा। राहुल गांधी ने चीन के बहाने पीएम मोदी पर फिर हमला बोला, कहा चीन का नाम लेने का भी सरकार में साहस नहीं। कांग्रेस ने संसद का सत्र बुलाने की मांग की, कोरोना चीन के साथ तनाव पर चर्चा के लिए संसद सत्र बुलाने की तारीख निकाले सरकार, कहा। जम्मू कश्मीर के एलजी पद से इस्तीफा देने के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू बने नए सीएजी, राजीव बहरिशी की लेंगे जगह। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए एलजी बने बीजेपी नेता मनोज सिन्हा, गिरीश मुर्मू की ली जगह। आर्टिकल 370 हटने के साल भर पूरे होने पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने इंडिया टीवी से बात की, आतंकवाद से लेकर स्थानीय नेताओं के थ्रेट पर दिया जवाब। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा स्थानीय लोग पुलिस और सेना के सहयोग से आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी। पाकिस्तान ने बालाकोट और मेंढर में सीजफायर तोड़ा, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। यूपी के संभल के समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान का विवादित बयान सामने आया, कहा अयोध्या में मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, मस्जिद को कोई नहीं मिटा सकता। भूमि पूजन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में महाप्रसाद भेजने का काम शुरू, अब तक 1 लाख लड्डू भेजे गए। मेरठ में रामायण प्रसंग पर 5 से 15 रुपए तक का डाक टिकट जारी, भगवान राम, सीता, स्वयंवर समेत कई प्रसंगों पर डाक टिकट। राम मंदिर पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का बयान, का शांतिपूर्ण समाधान से सबको खुश होना चाहिए।
यूपी के औरैया में बीजेपी नेता ने पुलिस के सामने कानून की धज्जियां उड़ाई, जय श्री राम के नारों के साथ की फायरिंग। पंजाब कैबिनेट के मंत्रियों ने सांसद प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुले को पार्टी से निकालने की मांग की, जहरीली शराब कांड में सरकार पर उठाए थे सवाल। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की, कहा बिहार से आएगा बदलाव। दिल्ली में 12 साल की बच्ची से हैवानियत का आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान, पहले भी मर्डर और लूटपाट के मामले में रहा है शामिल। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया मासूम ने उसे घर में चोरी करते हुए देखा था, इसलिए रेप के बाद कैंची से पूरे शरीर पर किया वार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एम्स में भर्ती बच्ची को देखने पहुंचे, कहा बच्ची के साथ हुई बर्बरता को बयां करना मुश्किल। एम्स में केजरीवाल का विरोध, दिल्ली यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। भारत में कोरोना का ग्राफ 20 लाख के पार, एक दिन में 56,000 नए केस, अभी तक 41,631 लोगों की मौत। कोरोना के एक्टिव केस से रिकवर हुए मरीजों की संख्या दोगुनी हुई, 13 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमारी को मात दी। दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने को लेकर केजरीवाल सरकार ने एलजी को दोबारा भेजी फाइल, कोरोना के हालात सुधरने की दलील दी। केजरीवाल सरकार ने पूछा, दूसरे राज्यों में हालात खराब होने के बावजूद होटल और जिम खोलने को परमिशन, तो दिल्ली को क्यों रोक। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों पर खास असर नहीं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 11,514 नए मामले सामने आए, 316 लोगों की जान गई, कुल केस की संख्या 3,16,000 से ज्यादा हुई। मुंबई में एक दिन में 910 नए केस, फिर 57 लोगों की गई जान, अभी तक 1,20,000 से ज्यादा संक्रमित। नागपुर में कोरोना से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिस कर्मियों की मौत हुई, 467 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,658 कोरोना मरीज मिले, 61 की मौत हुई। शनिवार को नोएडा आएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सेक्टर 39 में कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश में कोरोना पूरी तरह बेकाबू, 24 घंटे में फिर 10,000 से ज्यादा केस का पता चला, अब तक 1,96,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को कोरोना हुआ, 30 जुलाई को ली थी शपथ, 2 बेटियां भी पाई गई पॉजिटिव। पहली बार जन्माष्टमी पर गुजरात की द्वारकाधीश मंदिर 10 से 13 अगस्त तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा, कोरोना को देखते हुए फैसला। लद्दाख में कोरोना पॉजिटिव, आईटीबीपी के 17 जवान हुए स्वस्थ, कोविड सेंटर से मिली छुट्टी। महाराष्ट्र में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कोरोना की नई टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया, कहा मरीजों का गंभीरता से ध्यान रखें अस्पताल। असम के बार में शराब बेचने को इजाजत मिली, सरकार की गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नागपुर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान, वायुसेना के बैंड ने दी शानदार संगीतमय प्रस्तुति। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक बाजार में लगी भीषण आग, करीब एक दर्जन दुकानें चपेट में आई, लाखों के नुकसान का अनुमान। ग्रेटर नोएडा में 2 जगहों पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार, कट्टा और कारतूस हुए बरामद। यूपी के विंध्याचल देवी मंदिर में एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ हमला, दरोगा और 2 और पुलिस वाले भी जख्मी। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में एक होटल में मिले महिला पुरुष के शव, शुरुआती जांच में एक केस सुसाइड करने का शक। यूपी के बांदा में प्रेमी प्रेमिका को जिंदा जलाया गया, लड़की के परिजनों ने वारदात को अंजाम दिया, मौके पर ही युवक की मौत, लड़की कानपुर अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में पुलिस कर्मियों को खास मौके पर छुट्टी देने से मना नहीं किया जाएगा, एसएसपी कलानिधि नेथानी ने जारी किया आदेश। पुलिस कर्मियों को शादी, जन्मदिन और सालगिरह जैसे मौके पर छुट्टी दी जाएगी, एसएसपी ने कहा, तनाव मुक्त होकर ड्यूटी कर सकेंगे पुलिसकर्मी। ग्रेटर नोएडा में सुंदर भाटी गैंग के 3 गुर्गे पकड़े गए, 2 गाड़ियां भी बरामद की गई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीएसएफ ने हिल्स मछली के तस्कर को पकड़ा है, 11 लाख से ज्यादा की हिल्सा मछली जब्त की। मध्य प्रदेश के पन्ना में खदान मजदूर को मिला 35 लाख का हीरा, टैक्स काट कर नीलामी की रकम मजदूर को मिलेगी। गदाचा के उड़ुपी में एक सब इंस्पेक्टर ने दिखाई जांबाजी, घर में बने कुएं में गिरी बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला। हरियाणा के सिरसा में सवारियों से भरी बस को अगवा करने की कोशिश, 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। यूपी के शामली में पानी को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प, जमकर चले लाठी और पत्थर। चेन्नई में कस्टमर्स ने 740 टन अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया, कस्टम विभाग की कार्रवाई, कहा बेरूत की घटना से डरने की जरूरत नहीं, सुरक्षित जगह पर रखा गया। केरल में कन्नूर से करीब 1 किलो सोना बरामद, दुबई से लौटे 2 शख्स को हिरासत में लिया गया। चीन में नई संक्रामक बीमारी से 7 लोगों की मौत, 60 बीमार इंसानों में फैलने की जताई गई आशंका। बेरूत में हुए ब्लास्ट में 5 भारतीय मामूली रूप से जख्मी, मोदी सरकार करेगी लबनान की मदद। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बेरूत में विस्फोट वाली जगह का दौरा किया, लबनान को मदद का भरोसा दिया। मैक्रों के सामने आप बीती सुनाते वक्त एक लेबनानी महिला फपक पड़ी, मैक्रों ने गले लगाकर पढ़ाया हौसला।
लेबनान में फ्रांस के दूतावास के बाहर सरकार विरोधी प्रदर्शन, अपनी सरकार पर लोगों का गुस्सा फूटा। अमेरिका में कोरोना को लेकर यूनिवर्सिटी और वॉशिंगटन ने जताई आशंका, 1 दिसंबर तक वायरस से 3 लाख लोगों की हो सकती है मौत। WHO ने अमेरिका से संस्था से अलग होने के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की, कहा विभाजित दुनिया में कोरोना को हराना मुश्किल। श्रीलंका चुनाव में महिंदा राजपक्षे की पार्टी भारी जीत की ओर, अब तक की मतगणना में मिला पूर्ण बहुमत। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से की बात, सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न होने की बधाई दी। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार, कोर्ट ने शहबाज के बेटे हमजा को भी पाया दोषी। BCCI और वीवो के बीच करार खत्म, IPL 2020 के लिए पार्टनरशिप पर नहीं बनी बात। आज ICC बोर्ड की होगी अहम वर्चुअल मीटिंग, BCCI और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में होगी अगले 2 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पर चर्चा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में टॉप पर पाकिस्तान, शान मसूद के शतक से पहली पारी में बनाए 326 रन, 92 रन पर इंग्लैंड के 4 विकेट चटके। भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक ने की खुदकुशी, सोशल मीडिया पर 10 मिनट का वीडियो पोस्ट कर बताई थी वजह। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी समेत कई कलाकार, चार्टर्ड फ्लाइट से शूटिंग के लिए ब्रिटेन रवाना। बाहुबली फेम अभिनेता राणा दुगुबती और मिहिका बजाज की हल्दी मेहंदी की फोटो हुई वायरल, शनिवार को शादी के बंधन में बंधेंगे।